हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल से समझेंगे कि जो आपका सेकंड लिस्ट आएगा उसके अंदर जो आपका एडमिशन होने का चांस है वो कितना है। यानी कि ऐसे काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो कि मैसेज और कॉल कर रहे हैं कि सर मेरा फर्स्ट लिस्ट के अंदर नहीं हुआ है और मेरा जो है यहाँ पर सेकेंड लिस्ट के अंदर कितना चांस है कि मेरा सिलेक्शन हो सकता है। अब ऐसे भी स्टूडेंट कॉल कर रहे हैं कि सर 47 मेरे मार्क्स है, क्या मेरा 47 पे सेकेंड कट ऑफ लिस्ट में हो जाएगा? अरे भाई, जब यहाँ पे कट ऑफ 70 जा रही है तो मुझे एक चीज बताओ कि 47 पे कैसे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सिलेक्शन का प्रोसेस है तो उसके बारे में हम लोग समझते हैं कि जो है आपकी जो सेकंड कट ऑफ लिस्ट निकलेगी और उसके अंदर आपके कितने मार्क्स है या फिर कितनी रैंक है उसके हिसाब से आपका यहाँ पर एडमिशन हो सकता है। अब ये श्योरिटी नहीं है, अगर सीट खाली रही तब तो जो है आपका यहाँ पे श्योर है कि सेकंड लिस्ट में हो जाएगा अगर आप रैंक के आसपास हो। किस तरीके से होता है हम लोग इस चीज को समझते हैं। लाइक मैंने ये जो है फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट यहाँ पे ओपन कर रखी है, मैंने एमए के कोर्सेज की ओपन कर रखी है। तो अगर आप बीए के स्टूडेंट है तो भी इस वीडियो को यहाँ पे देख लीजिएगा और इसी लिस्ट के माध्यम से आप लोग समझ लीजिएगा। मैं आपको केवल एक सब्जेक्ट के माध्यम से समझाऊंगा और उसी से आपको सारे जो सब्जेक्ट है आपका, लाइक जो भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप लोग देख लेना कि आपके कितने मार्क्स है, कितनी रैंक है, कैटेगरी वाइज कितनी रैंक है। एक्चुअली अगर मैं आपको रैंक का सिस्टम बताऊं तो पहले नहीं था, जब से एनटी एग्जाम करवाने लगा है तब से जो है यहाँ पे जेएनयू जो है ये रैंक का भी यहाँ पे शो करता है कि इस कैटेगरी के अंदर इतनी रैंक तक स्टूडेंट को लिया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझते हैं इस चीज को कि ये जो है इसका क्या सिस्टम है और सेकंड लिस्ट में कहाँ तक एडमिशन हो सकता है। चलिए पीजी के किसी एक कोर्स को हम लोग उठाते हैं यहाँ पे, लाइक हम सबसे ऊपर से ही देख लेते हैं, ऊपर वाला ही ले लेते हैं। तो हम लोग देखते हैं एमए जो हिस्ट्री का जो कोर्स है, एंशियन हिस्ट्री का जो कोर्स है, हिस्ट्री के अंदर तीन पार्ट में चलता है आपका। तो जो एंशियन हिस्ट्री का है उसका हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे ये जो कट ऑफ है, यहाँ पर आप लोग नजर घुमाइए तो यहाँ पर लिखा हुआ है यू आर कट ऑफ मार्क्स। तो यू आर में जो कट ऑफ यहाँ पे आया है जो हाईएस्ट वो दिया गया है 81। ठीक है, कितना दिया गया? 81। लेकिन जो एडमिशन यहाँ पर लिए गया है रैंक के हिसाब से वो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे 14 तक लिया गया, 14 रैंक तक जो है स्टूडेंट को लिया गया है। अब जो सेकंड लिस्ट आएगी, अगर सेकंड लिस्ट निकलती है तो किस स्टूडेंट का चांस बनता है कि उसका सेकंड लिस्ट में जो है यहाँ पे सिलेक्शन हो सकता है? अब यहाँ पे समझिएगा, अब मान लीजिए कि यहाँ पे 81 तक जो है कट ऑफ गई है फिलहाल फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट में और आपके जो मार्क्स है वो 80 है, ओके, और आपकी जो रैंक है वो यहाँ पे 15 या 16 यानी कि 15 या 16 आपकी रैंक है। ठीक है, 15 या 16 आपकी रैंक है यू आर के अंदर और अभी जो है यहाँ पर इन लोगों ने लिया है 14 तक। ठीक है, 14 रैंक तक लिया है, तो अगर आपकी 15 या 16 वी रैंक है तब तो जो है आपका चांस बनता है अगर फर्स्ट लिस्ट के अंदर किसी स्टूडेंट ने एडमिशन कैंसिल करवा लिया या फिर लिया नहीं, ठीक है, तब आपका, या फिर सीट खाली है अभी, तो फिर जो है यहाँ पे 15 और 16 वाले स्टूडेंट का हो जाएगा। लेकिन अगर आपका यहाँ पे 52, 57, 80 प्लस यहाँ पे रैंक है तब आपका यहाँ पर नहीं होगा। और आप मार्क्स भी देख सकते हो कि अगर 81 गई है तो हो सकता है कि जो है आपका 80 तक एडमिशन हो जाए। ठीक है, 81 गई है तो 80 तक या फिर 79 तक जो है एडमिशन हो सकता है सेकेंड या थर्ड कट ऑफ लिस्ट के अंदर, लेकिन इससे ज़्यादा फिर जो है आपका जो है एडमिशन होने का चांस काफ़ी कम है। अगर आपकी रैंक जहाँ पर, ये जो रैंक यहाँ पे अभी शो कर रही है उसके हिसाब से अगर आपकी रैंक ज़्यादा है तब तो चांस कम बनता है। ये जो आपका आगे का जो लिस्ट आएगा उसके अंदर यही आपका सिस्टम रहेगा। तो आप लोग देख लेना कि आपका जो रैंक है अगर एक आध है, या फिर ऐसा भी होगा कि मान लीजिए कि यहाँ पर इन लोगों ने लिया है, लाइक एक कोर्स लेते हैं इकोनॉमिक का, ठीक है, इसमें 79 यहाँ पे कट ऑफ दिखा रहा है और आपके भी 79 है, लेकिन आपकी जो रैंक है यहाँ पे जैसे 39 रैंक तक लिया है और आपकी जो रैंक है वो 40 है यहाँ पे, ठीक है, 40वीं रैंक है और इन्होंने लिया है 39 रैंक तक और आपके मार्क्स भी यहाँ पे 79 है और जिस स्टूडेंट को लिया है उसके मार्क्स भी यहाँ पे 79 है, तब आपका कन्फर्म चांस बनता है कि सेकेंड कट ऑफ लिस्ट में आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप जो है सेम क्राइटेरिया यहाँ पे आपका भी हो रहा है जिसका 79 आया और आपका भी यहाँ पे 79 आया है, तो सेकंड जो लिस्ट आएगी या फिर जो थर्ड लिस्ट आएगी उसके अंदर आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, तो यही सिस्टम बीए के जितने भी बीए की जितनी भी लैंग्वेज है उसमें भी यही सिस्टम लागू होता है। तो अब आप लोग देख लीजिए कि अगर आप आसपास हो तब तो आप लोग वेट करिए, अदरवाइज अगर आप कहीं एडमिशन ले रहे हो तो आप लोग एडमिशन यहां पर ले सकते हो। एंड अगर आप लोग बीए फॉरेन लैंग्वेज के लिए फिर से तैयारी करना चाहते हो यहां पे 22 के लिए तो आप लोग हमारी ऑनलाइन क्लास से भी जुड़ सकते हो। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 6 दिसंबर से अपनी बीए ऑनर्स के जो
लिए जो क्लासे है वो स्टार्ट होने वाली है। इसके अलावा अगर आप एमए पॉलिटिकल साइंस के लिए तैयारी कर रहे हैं लाइक जेएनयू, बीएचयू, ड्यू, हैदराबाद, जिस भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए तैयारी कर रहे हो, आप हमारे कोर्स से जुड़ सकते हो, कोर्स के अंदर इनरोल हो सकते हो। पॉलिटिकल साइंस का जो कोर्स है वो 5 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा, 4 दिसंबर तक उसके एडमिशन होंगे, तो आप लोग ये सारा ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर लिंक दिया गया गाइस। ओके, तो इस वीडियो के अंदर यही इन्फॉर्मेशन आपको देना था। वीडियो देखने के लिए आप सभी का थैंक यू सो मच।